आज की जो बुक हम लोगों का कंसर्न है कि कल जो लॉ की विद्यार्थी जो छात्रा थी उनके साथ जो घटना घटी, ये घटना उस सारे कड़ी का एक नतीजा है जो विगत, चाहे वो गोड्डा में बलात्कार हो, चाहे साहेबगंज में बलात्कार हो, चाहे वो घुमला की छात्रा के साथ हो, रांची राजधानी में टीपूदारा में घटना घटी, जगन्नाथपुर में घटना घटी, रामपुर में घटना घटी, और ये लगातार ऐसी घटनाएं राजधानी के प्रांगण में हो रही और अगल बगल हो रही, जहां 50 करोड़ रुपए का सीसीटीवी लगाया गया। कल यहां देश के गृह मंत्री थे, इतनी बड़ी घटना घटी और एक शब्द भी उनके तरफ से कंडेम करना तो छोड़ दीजिए, सद्भावना का भी नहीं। निर्भया की घटना हुई थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश की कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी खुद खड़ा होकर उस विरोध में शामिल होकर और अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर उन्होंने 24 घंटा के अंदर कानून बनवाया जिसमें निर्भया कानून देश में आया। झारखंड लगता है कि जैसे दान महिलाओं के लिए दानवी राज्य, बचे हुए लोग जो यहां से बाहर जाते हैं नौकरी करने, उनकी हालत, उनके साथ घटना घटती है विभिन्न देश के क्षेत्रों में, यहां बचे हुए जो डाइंग करके मार दिए जाते हैं, मान सम्मान अस्तित्व सब में सबसे ज्यादा हमला अगर हुआ है तो महिलाओं का जान, जबकि आदिवासी परंपरा के तहत महिलाएं ही अपने घर की नेता मानते हैं, वही प्रमुख होती है, उसका विपरीत हो रहा है। तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये ढोंग और नाटक का कहीं असर है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण का कल चुनाव है, झारखंड के महिलाओं के सम्मान, उनके भविष्य की गारंटी, ये कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि पहला अगर कोई कानून बनेगा तो महिला सुरक्षा का कानून हम झारखंड के विधानसभा। पहला चरण है चुनाव का, क्या लग रहा है, कितनी संभावना है? मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि मैं फैक्चुअल बताता हूँ। 9 पलामू में कमिश्नरी में 9 विधानसभा सीट, 4 गुमला लोहरदगा में ट्राइबल सीट, 9 में 6 कांग्रेस लड़ रही है, 5 जेएमएम लड़ रही है और 2 आरजेडी लड़ रही है। हम निश्चित तौर पे आपको कह सकते हैं कि लड़ाई विपक्ष से भाजपा लड़ रही है, भाजपा से हम नहीं लड़ रहे हैं, सेकेंड पार्टी भाजपा होके लड़ रही है और खाका भाजपा यहां खोल पाएगी इसकी जन संभावना 0 है। मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि सरकार के नक्सलिज्म दहशत और विफलता के बावजूद पूरी तरह से लगन के साथ इस चुनाव में भागीदारी निभाए और झारखंड से इन भ्रष्टाचारियों को, भाजपाइयों को मुक्त कराए। एक आखिरी सवाल, एक स्टेटमेंट है घोषणा पत्र में भाजपा का, झारखंड में एनआरसी लागू कर देंगे और साथ में प्रधानमंत्री आते हैं और आदिवासी और सभी को हिंदू कहकर यही लड़ाई है। जिसको संस्कृति सभ्यता परंपरा का ज्ञान नहीं हो, और वो प्रधानमंत्री को नहीं है, आप उनका 2014 से लेके जितने स्टेटमेंट हैं वो अपने आप में एक किसी को दिया जाए कंपाइल करके तो लगेगा कि ये किस का है, ये कि तर्शीला को यहां से वहां बता देते हैं पाकिस्तान में और यहां से उसको बता, ये पूरी कहानी है आपके पास। आदिवासी एक परंपरा है, न उनको हिंदू बनाइए न उनको क्रिश्चियन बनाइए, उनकी जो संस्कृति है उसको रहने दीजिए और कांग्रेस उनकी संस्कृति को अक्षुण रखने में विश्वास करती है। अगर उनकी पहचान का सवाल सरना कोड है तो हम उसको लागू करेंगे। एज ए केंद्रीय मंत्री मैं होम मिनिस्टर से मुलाकात उनकी कराई थी,
चिदम्बरम से प्रधानमंत्री से मुलाकात कराई थी और अब यहाँ के विधानसभा से पास करा के हम लोग फिर भेजे। एनआरसी लागू करना चाह रही है भाजपा, सत्ता पक्ष में आते के साथ रघुवर सरकार ने कहा झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, अमित शाह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं एनआरसी। उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, उनका एजेंडा सब खत्म हो रहा है, तो ये एजेंडा से थोड़ी अव्यवस्था बना करके ये इनका कोई जगलरी चलने वाला नहीं है। जहां इनकी सरकार आसाम में और वहां जो दुर्गति हुई है, वहां 17 लाख में से 14 लाख हिंदू हैं जिनको इन्होंने विदेशी डिक्लेयर कर दिया। ये आप झारखंड में अमित शाह का कल का जो बयान देखिए, बड़े सुरमा गोपाली थे, कह रहे हैं भीड़ नहीं जमा हो रहा है, भीड़ बढ़ाओ, कह रहे हैं कि जो लतिया के मार दिया इनका इनका एलआई उसका पूछ पकड़ के कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी हमारे साथ रहेगा। ये हताशा नहीं है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए डिफिटेड भाजपा प्रेसिडेंट। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हताशा सी छा गई है। वो अपने पूर्व अलायंस को ये पूछ पकड़ के अब भी दावा कर रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन के बाद वो जरूर उनके पास आ जाएंगे। साथ में अमित शाह के उस बयान को भी बड़ा मजाकिया लहजे में उन्होंने बताया कि क्या एक इंसान 25-25 लोगों को बुलाएगा तभी ये जीत पाएंगे। खैर, भाजपा जीत पाती है या नहीं जीत पाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पे चुटकी जरूर ले रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट, हर खबर आप तक पहुंचा रहे। Thank you.